हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहले मिलते रहे। सो लेट अस सी, बहुत अच्छी कुछ दो तीन डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दे दी है, विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो लद्दाख रीजन की अभी तक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी डिमांड रही है कि यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू द वैली, द जम्मू एंड कश्मीर वैली के कंपेरिजन में लद्दाख जो है, क्योंकि वो जोग्राफिकली बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और बहुत ही रिमोट एरिया है, इसलिए वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट हैज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओकेड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली फॉर लद्दाख। तो बहुत अच्छी एक न्यूज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख एंड इट विल बी सेट अप एट अ कॉस्ट ऑफ 750 करोड़ रुपीज। एक अच्छी अच्छा बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनियन कैबिनेट की मीटिंग चेयर की जिसमें यह डिसीजन लिया गया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंसेज इन हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंटल शॉर्टफॉल्स इन द यूटी। तो रीजनल इम्बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने कभी भी अगर लद्दाख की बात करनी है, सो इट इज ऑल अबाउट रीजनल इम्बैलेंस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं डेवलपमेंट ही नहीं है, इट इज अ रीजनल इम्बैलेंस। एक रीजन में डेवलपमेंट है, दूसरे में उतनी नहीं है। सो इफ वी सी कंपैरेटिवली वी सी इम्बैलेंस, दैट इज व्हाट इट इज। सो इट इज ऑल अबाउट प्लगिंग द लूप होल्स। सिर्फ लूप होल्स को प्लग करने की बात है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर नहीं है, और जहां पर नहीं है वहां पर डेवलपमेंट करनी है, सिंपल एज दैट। एंड इन दैट एस्पेक्ट लद्दाख इज वन सच रीजन जहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो अभी लैकिंग है। इससे क्या होगा, एक्सेस और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन काफी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी और हायर एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज जो है वो यहाँ के लोगों को मिलेंगी। दे विल नॉट हैव टू गो ऑल द वे टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू गेट हायर एजुकेशन। अभी लद्दाख के लोग जो है वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। लेकिन चॉइस उनके पास होनी चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी लद्दाख में भी होनी चाहिए, राइट। इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगी उन्हें, इससे रीजन की डेवलपमेंट होगी एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रियलाइजिंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट। तो एक तो ये लद्दाख के लिए जो न्यूज है, दूसरी है इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इंटीग्रेटेड यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके मल्टीपल पर्पजेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक सेपरेट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश कर दी गई है लद्दाख के लिए। यहाँ पर अब टूरिज्म का पोटेंशियल भी बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो उसको दूर करने के लिए स्पेशली ये सेटअप की गई है मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर लद्दाख ओनली, राइट। इट विल एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर रीजन एंड यूनियन टेरिटरी और इसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होंगे। क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इसके, एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होगी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है यहां पर एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर स्कूल्स बनेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, वो हमने अभी देखा, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज होंगी यहाँ पर, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। सेकेंडली यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा क्योंकि फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी तो टूरिज्म प्रमोट होगा, जिससे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, यहाँ के लोगों को टूरिज्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू होगी एंड इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यूटी। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो जाएगी तो यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगी। सो इट विल इम्प्रूव द HTI ऑफ
लद्दाख, राइट? एचडीआई में एजुकेशन, हेल्थ और इनकम लेवल्स ही जो है वो आते हैं। अभी तक लद्दाख में ऐसी कोई सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड हो। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जैसा कि मैंने बताया, राइट? इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन में नई तरह की ट्रांसपोर्टेशन आएंगी, मार्केटिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ के कुछ यूनिक पेंटिंग स्टाइल्स हैं, यहाँ पर कुछ यूनिक मोनेस्ट्रीज हैं, तो इन सब जगहों की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, ये सब कुछ इससे फायदे होंगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा अगर उसके लिए पहले एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। एनेबलिंग, एनेबलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि अगर इंफ्रा नहीं होगा तो ये डेवलपमेंट्स नहीं हो पाएंगी। तो ये जो LIIDCO या फिर लद्दाख इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन एजेंसी होगी। इसके अलावा कुछ दूसरी तरह की एजेंसीज हो सकती हैं, लेकिन दिस विल रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी इन लद्दाख। और अगर यहाँ पर इंफ्रा अच्छे से डेवलप हो जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए वो एक बून साबित होगा। तो लद्दाख के लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग से बन रही है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अलग से बन रही है। नेक्स्ट, JNK टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू हस्बैंड्स ऑफ नेटिव वुमेन। ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो जब August 5, 2019 को Article 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया गया था, उस टाइम पे पहला सवाल जो वहां के नेटिव्स के दिमाग में था वो यही था कि क्या उनको जो अब स्पेशल सिटीजनशिप स्टेटस अंडर Article 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ था, क्या वो अभी रहेगा या नहीं, जिसमें कि उनके पास एक्सक्लूसिव ओनरशिप राइट्स थे स्टेट में, एक्सक्लूसिव राइट्स टू गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, सब्सिडीज एक्सेट्रा, क्या वो अब रहेंगे या नहीं। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी की थी कि यहाँ पर अलग से डोमिसाइल रूल्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि अगर कोई 15 साल तक यहाँ पर रहा है, सिर्फ तभी उसे यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का राइट दिया जाएगा। तो एक तरह से एक प्रोटेक्शन दे दी गई, कैसा नहीं है कि अचानक से लोग मेन स्ट्रीम इंडिया से आएंगे और आकर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। 15 साल का डोमिसाइल यहाँ पर उस टाइम बात की गई थी। और अब उसमें एक ट्वीक ये किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की नेटिव लड़कियाँ या विमेन जो है, अगर वो किसी नॉन कश्मीरी से शादी करती हैं तो वो जो हस्बैंड होगा दैट विल ऑल्सो गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वुमन ऑफ श्रीनगर मैरिज अ मैन हु इज फ्रॉम से पंजाब, तो वो जो पंजाब का वो जो मैन है दैट विल ऑल्सो एक्वायर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पहले नहीं होता था, राइट? सो अब ये अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो स्पाउसेस ऑफ नेटिव वुमेन हु हैव मैरिड आउटसाइड द यूटी, दे विल गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। तो ये जो रूल है ये किसने इशू किया है? गवर्नमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, अंडर Article 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेड विद सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट। और इसके लिए किसे ऑथराइज किया गया है, कौन इस तरह की डोमिसाइल को इशू कर सकता है? ऑथराइज तहसीलदार। तो इस यूटी में जो भी ऑथराइज तहसीलदार हैं वो ऐसे सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैरिज का वैलिड प्रूफ देना होगा। वहाँ के DC जो है उस जिले के, वो इसकी एपेलेट अथॉरिटी होंगे। यानी कि अगर किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिनाई हो जाता है तो वो कहाँ पर अपील करेगा? तहसीलदार के बाद वो अपील करेगा डेप्यूटी कमिश्नर को, उस जिले के DC को, राइट? तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसी के लिए एक नया क्लॉज ऐड किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 में। August 5, 2019 से पहले, यानी कि जब तक ये स्टेटस चेंज नहीं हुआ था, तब तक हस्बैंड्स ऑफ लोकल वुमेन मैरिड आउटसाइड हैड नो राइट टू बाय प्रॉपर्टी और अप्लाई फॉर जॉब्स इन JNK, लेकिन अब ये राइट उन्हें मिल जाएगा, राइट? तो इससे PR सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे,
और उनके बच्चों को भी आगे ये राइट दिया जा सके। राइट, तो एक इसमें फैक्ट है, एक फिगर है जो आपके काम आ सकती है। मार्च 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जवाब, एक क्वेश्चन के जवाब में ये बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में 35 लाख के करीब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशन रिसीव की गई थी पिछले साल, जिसमें से 32 लाख एप्लीकेंट्स जो हैं उन्हें वो डॉक्यूमेंट इशू किए जा चुके हैं। यानी कि एक जो बहुत सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज को एक वरी थी कि क्या यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज ले आया जाएगा, जो कि अब फॉर्स एक राइट भी है इंडिया का, कि क्या यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्या डेमोग्राफिक मिक्सिंग इतनी हो जाएगी यहाँ पे कि एक टाइम के बाद देर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरमिक्सिंग बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि बाकी स्टेट्स में भी होता है। सो यस, इट इज़ अ रियलिटी नाउ, लैक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग डोमिसाइल राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, सो दैट विल चेंज द डेमोग्राफी नो डाउट, एंड इट विल बी मच मोर इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया देन इट वॉज बिफोर August 5, 2019। तो इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्टेप है, इसीलिए यूनियन मिनिस्टर ने कहा है दैट इट इज अ डॉन ऑफ अ न्यू इरा फॉर द यूटी, दैट इट विल कंप्लीटली यू नो मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन नाउ, सो दैट इज व्हाई इट विल बिकम मोर इंटीग्रेटेड नाउ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।